भागवत में सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित कि महाराज ये तमाम शास्त्र वेद ये मत सुनाइए, संक्षेप में बताइए मैं क्या करूं, मुझे 7 दिन में सब कुछ करना है, फिर तो वो तक्षक सांप काट लेगा, हम मर जाएंगे। 1 हफ्ते का समय। यच्छ्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भीः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। क्या भक्ति करें? तो बड़ा सीधा सा उत्तर दे दिया कि 3 भक्ति करो। 3 भक्ति? हाँ, भक्ति करोड़ों प्रकार की होती है और प्रहलाद ने तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है। 9 श्रवणम कीर्तनम विष्णुरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन परीक्षित तुम 3 प्रकार की भक्ति करो, 3 खास है। क्या 3 है? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 2 स्कंद के 1 अध्याय का 5वां श्लोक। 1 श्रवण। आप लोग इस समय श्रवण भक्ति कर रहे हैं। अगर श्रवण भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करना चाहिए ये कैसे आप समझेंगे? जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, आनंद क्या है, सब तत्व ज्ञान कंपलसरी है। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना कर आलस। थियरी की नॉलेज नहीं होगी तो संसार में भी प्रैक्टिकल क्या होगा? रसगुल्ला बनाने चले तो क्या करें? एक तो उसमें घी पड़ता है, एक मिठाई पड़ती है, एक दूध पड़ता है, तीनों को घोल दिया, हो गया रसगुल्ला। ऐसे नहीं बनता, पहले थियरी समझो ठीक ठीक, बनाना सीखो। तो ये 3 चीजें, श्रवण, फिर कीर्तन, वो भी आप लोग करते हैं, और स्मरण, मन से ध्यान, ये 3 भक्ति।